हाय फ्रेंड्स, और आज का हमारा वीडियो डिजिटल स्पीडोमीटर पे होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने हीरो प्लेजर में डिजिटल स्पीडोमीटर को इंस्टॉल करने वाला हूं। तो आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मुझे ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये मोड आपको कैसा लगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम उस मीटर और उसके फीचर के बारे में बात करते हैं और फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, ये है LCD डिजिटल स्पीडोमीटर और इसमें स्पीडोमीटर के साथ साथ RPM और फ्यूल मीटर भी दिया गया है। इसकी कीमत लगभग 2000 रुपए है और ये आपको Amazon पे मिल जाएगा। ये ब्लैक कलर का है और इसके पीछे साइड आते हैं तो यहाँ आपको बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि कंपनी वाले मीटर में देखने को मिलता है। तो स्पीडोमीटर का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल प्लग एंड प्ले है, इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे मोड बटन भी दिया गया है, इससे आप इसके सारे फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम इसके वायर पे आते हैं तो इसमें 4 वायर दिया गया है। इसमें जो ब्लैक वायर है वो निगेटिव है, ब्लैक विथ रेड लाइन वाला RPM मीटर के लिए है, ग्रीन वायर पॉजिटिव और ब्लू विथ व्हाइट लाइन फ्यूल मीटर के लिए। तो मीटर को ऑन करने के बाद मीटर कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा और ऊपर साइड ये जो लाइन वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये RPM मीटर के लिए है और बीच में स्पीडोमीटर है और उसके नीचे किलोमीटर और ट्रिप मीटर है और सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे फ्यूल मीटर है। अगर आप ट्रिप को रिसेट करना चाहते हैं तो ट्रिप वाले मोड पे एक एक बार क्लिक करके ट्रिप मीटर वाले मोड पे ले आना है और ट्रिप वाले मोड पे लाके और मोड बटन को होल्ड करना है तो आपका किलोमीटर रिसेट हो जाएगा। अब डिस्प्ले के कलर को चेंज करने के लिए यहाँ नीचे साइड मोड बटन को दबा के ओडोमीटर वाले फंक्शन पे लाना है और ओडोमीटर वाले फंक्शन पे लाने के बाद आपको मोड बटन को होल्ड करके रखना है और जैसे ही आप होल्ड करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा, 1LLC करके कुछ लिखा हुआ आएगा, वैसे ही आपको मोड बटन फिर एक बार क्लिक करना है। तो जैसे ही एक बार क्लिक करेंगे तो आपका कलर चेंज होगा और दूसरी बार में फिर दूसरा कलर, तीसरा कलर, इस तरह से आप इस डिस्प्ले के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए स्कूटी के स्पीडोमीटर को रिमूव करना होगा, क्योंकि इसका जो इंस्टॉलेशन है वो मैं इसके स्पीडोमीटर में ही करूंगा। इस डिजिटल स्पीडोमीटर को मैं सेम उसी जगह पे इंस्टॉल करूंगा जहां पे आप ये एनालॉग वाला मीटर आप देख रहे हैं इस कंपनी वाले मीटर के अंदर। बाकी जो लाइट वाला फंक्शन रहेगा वो वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। देख सकते हैं यहाँ से मैंने कटिंग किया है और इसको कट करने के लिए मैंने जो यूज किया है वो है सोल्डरिंग मशीन। तो ये सोल्डरिंग मशीन मैं स्पेशली इसी चीज के लिए मैंने परचेस किया है इसको, और बाकी मैंने सैंड पेपर का यूज किया है क्योंकि जो सोल्डरिंग मशीन है उसको यूज करने के बाद जो सरफेस है वो काफी रफ हो जाता है, तो उसको प्लेन करने के लिए मैंने ये सैंड पेपर यूज किया है। फिर मैंने यहाँ पे 2 होल किया है, एक इस साइड में एक उस साइड में। ये दोनों होल मैंने क्लैंप के लिए किया है क्योंकि तो अब नीचे साइड ये पूरा ही जब कटिंग हो चुका है तो इस मीटर को होल्ड करने के लिए कुछ चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं 2 क्लैंप का यूज करूंगा, एक इस साइड एक उस साइड। और उसी तरह मैंने ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको भी सोल्डरिंग मशीन से ये कटिंग किया है। अब दोस्तों, हम डिजिटल स्पीडोमीटर को इसमें इंस्टॉल कर देते हैं।
हम कनेक्शन पे आते हैं, तो कनेक्शन में यहाँ पे जो आप चार वायर देख रहे हैं इस डिजिटल स्पीडोमीटर में, इसमें से तीन वायर का कनेक्शन यही हो जाएगा, बाकी एक जो ब्लैक विथ रेड लाइन है जो आरपीएम मीटर का जो वायर है वो सीडीआई में जाएगा। इसमें से जो ग्रीन वाला है वो निगेटिव है, ब्लैक वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव इग्निशन है, और ये येलो वाला वायर जो है ये फ्यूल लाइन के लिए। डिजिटल स्पीडोमीटर का जो ब्लैक वायर है इसके ब्लैक वायर से कनेक्ट होगा, और जो ग्रीन है ग्रीन से, और ब्लू वाला येलो वायर से। जो ये तीन स्क्रू है उसको वैसे ही लगा देंगे जैसे पहले था, क्योंकि यहाँ जो फ्यूल मीटर है वो जब हम डिजिटल यूज कर रहे हैं तो ये एनालॉग यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए इससे तीनों वायर को हम रिमूव कर लेंगे और इस डिजिटल स्पीडोमीटर में कनेक्ट कर देंगे। तो ये तीन वायर का कनेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया है, तो हम वापस से सारा कुछ लगा लेते हैं। तो ये जो स्पीडोमीटर केबल है इसको वैसे ही लगा लेना है जैसे पहले वाले मशीन में आपने लगाया था नीचे साइड में। और अगर आपका साइड अगर ज़्यादा इधर उधर हो रहा है तो यहाँ पे से आप इस केबल को थोड़ा साइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दो कनेक्शन कंप्लीट हो गया, एक फ्यूल मीटर का और दूसरा स्पीडोमीटर का। अब एक बस्ता आरपीएम मीटर का, तो उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं या सीडीआई में आपको सेम उसी कलर का वायर मिलेगा। तो यहाँ पे इस सॉकेट को खोल के और इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो कनेक्शन सारा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों हम स्कूटर को स्टार्ट करके और फिर इसका जो आरपीएम वाला जो फंक्शन है वो हम चेक करते हैं। तो अभी स्टार्ट करने के बाद यहाँ आरपीएम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस कर रहा है, तो ये वाला जो फंक्शन है ये मुझे अब कुछ सही नहीं लगा इसमें। और बाकी आप यहाँ पे फ्यूल मीटर देख सकते हैं, फ्यूल मीटर बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अभी आगे वाला जो टायर है उसको आप हाथ से अगर रोटेट करेंगे तो यहाँ पे जो स्पीडोमीटर में आपका वैल्यू शो होने लगेगा। और इसमें एक प्रॉब्लम था कि इसका जो मोड बटन था वो नीचे साइड दिया हुआ था, तो सारा कुछ लगने के बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक जुगाड़ किया है। तो मेरे घर पे एक वैसे ही पुराना पाइप था, तो मैं उसका ही यूज़ करके और इसके अंदर जो फ्लेक्सिबल वायर होता है उसको मैंने चार पांच इसके अंदर डाल के और फिर और ऊपर साइड मोड बटन जहाँ पे है वहाँ पे इस पाइप को फेविक्विक से साट दिया है।
तो अभी मैं राइड के लिए निकला हूँ और यहाँ जो स्पीड है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है और नीचे जो फ्यूल मीटर है वो भी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ जो आरपीएम मीटर है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस कर रहा है और कुछ टाइम के बाद तो ये बिल्कुल गायब हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ शो ऑफ के लिए दिया गया है और बाकी सारा फंक्शन बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो अगर आप मॉडिफिकेशन के शौकीन हैं और अगर आप डिजिटल स्पीडोमीटर अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस डिजिटल स्पीडोमीटर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि इसको यूज़ करने के बाद आप इस मीटर को पहले जैसा यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर आप कभी फ्यूचर में आपका मन करे कि आपको एनालॉग वाला यूज़ करना है तो आपको पूरा असेंबली परचेज करना होगा। वैसे तो इस स्पीडोमीटर को थोड़ा ऊपर करके अगर हम लगाते तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता देखने में, लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा ऊपर करते हैं तो ये जो ग्लास है ये फिर नहीं लगेगा। तो जब आप डिजिटल स्पीडोमीटर को यूज़ करेंगे तो आपको एक स्पोर्टी फील आएगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि मैं अपने R15 को यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।